मेंटल सर्वे कहती है पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग मेंटल टफनेस के स्टेट में हैं, यानी कि जहां पर उन्हें अपने गोल पर काम करते वक्त, मेहनत करते वक्त मजा आता है। शायद यही रीजन है कि 98% लोग आज नाकामयाब हैं और वो 2% लोग बाकी की आबादी पर राज कर रहे हैं। और हम भी उन बाकी के 98% लोगों में आते हैं जिनको चाहिए तो सब कुछ, सबको महान बनना है, हर काम में परफेक्ट बनना है, लेकिन काम करने का मन नहीं करता, मेहनत से दूर भागते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता होगा, है ना? लेकिन सोचो कैसा लगेगा अगर आपको उन 2% लोगों में शामिल होने का राज पता चल जाए। आपका दिमाग भी एक जीनियस की तरह काम करने लगे, आप जो भी पढ़ो वो सब आपको जल्दी याद होने लगे, आप एक साल का काम सिर्फ एक महीने में निपटाने लगो और आप भी एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओ। और ऐसा 100% पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपकी जिंदगी के उन सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारा अफसोस होना, वक्त बर्बाद करने का गिल्ट होना, हर काम में पीछे रह जाना और बहुत बुरे समय में चले जाना। तो चलो जानते हैं कुछ सार फैक्ट्स को जो आपको मेंटली टफ बनाएंगे, आपके माइंडसेट को हार्ड बनाएंगे और आपको हर कोशिश में कामयाब करेंगे। आइए जानते हैं। हैक नंबर 1, फोकस ऑन व्हाट फील्स गुड, जो अच्छा लगता है उस पर ध्यान दो। दोस्तों जिस पर हम ध्यान देते हैं ना, वो हकीकत बन जाता है और उसका इफेक्ट और मजबूत हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपको दर्द हो रहा है, लाइक कोई घाव हो गया या कहीं पर जहां पर आपको चोट लगी हो, और लगातार आप उस दर्द को अपने दिमाग में रखोगे तो एकदम जाहिर है कि वो दर्द और बढ़ेगा, आपको और ज्यादा दर्द देगा। ध्यान सिर्फ उन चीजों पर देना है जो आपके लिए अच्छी हैं, इनफैक्ट जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। अगर 10 किलोमीटर दौड़ने की तैयारी करनी है ना, तो दिमाग में एकदम से 10 किलोमीटर रखोगे तो शर्त लगा लो 2 किलोमीटर भी दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकदम से जब तुम्हारा ध्यान पहाड़ जितना बड़ा होगा तो हौसला तो कमजोर होना ही है। इसलिए एट द सेम टाइम ध्यान पहले कुछ मीटर या 1-2 किलोमीटर दौड़ने पर दो। इससे होगा ये कि आपको एक्चुअली में अच्छा महसूस होगा, खुद को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिलेगी, और इस वक्त मन आपके इस चाल को समझ ही नहीं पाएगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर रखने लगते हैं, जिससे होता यह है कि आपके अंदर कुछ करने की फीलिंग ही नहीं आती। और जब तक आपका दिमाग किसी भी काम को करने के लिए खुशी से तैयार नहीं होगा ना, आप काम शुरू नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपना ध्यान उस पर रखो जो आपको अच्छा फील कराता हो। हैक नंबर 2, व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ विल कम आउट, आप अपने बारे में जो विश्वास करते हैं वही बाहर आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी कथा में और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस बात को बहुत बार दोहराया है कि मनुष्य अपने विचारों का आदि है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। किसी भी चीज में दिल से यकीन रखना सीधा रास्ता है मेंटली टफ होने का। आपने कभी न कभी हाथी के बचपन की वो कहानी तो सुनी होगी, जब बचपन में एक बार उसको जंजीरों में बांधा जाता है, उस वक्त उसके पास इतना बल नहीं होता कि वो उन जंजीरों को तोड़कर उससे आजाद हो सके, लेकिन यही मेंटलिटी आगे उसकी कमजोरी बन जाती है। कुछ सालों बाद उसके अंदर अब इतनी ताकत आ चुकी होती है कि वो उन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो सकता है, मगर बावजूद इसके वो कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि बचपन में वो बार बार यही करके देख चुका है और अपना यकीन खो चुका है। उसके मानसिकता में पक्के तौर पर ये बात बैठ चुकी है कि एक बार के लिए वो विशाल पेड़ तक को उखाड़ सकता है, लेकिन उस जंजीर को जो उसके लिए मामूली है उसे नहीं तोड़ सकता। यही होता है हम सब के साथ। किसी के लिए कोई गोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता है तो किसी के लिए वो आसान होता है। लोग अक्सर कहते हैं ना, यार IIT बहुत हार्ड है, UPSC तो सच में इम्पोसिबल है। असल में ये हार्ड और इम्पोसिबल जैसा कुछ नहीं होता, ये बस मानसिकता का कंक्लूजन है, जो उनके दिमाग में जमा होता है वही बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर मैं एक और बाउंस टिप आपको पर्सनली देना चाहूंगा, वो है कि खुद को हमेशा पॉजिटिव लोगों में रखो, क्योंकि इसका भी मन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि आप अगर ऐसे लोगों के बीच रहते हो जहाँ सिर्फ दूसरों की चुगली चलती है, दूसरों के बारे में बस बुरा भला बोला जाता है, और जहाँ सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं, अक्सर वहाँ पर आपके साथ भी नेगेटिव चीजें ही होंगी, और जो उस माहौल का पार्ट बनता है उसके साथ भी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि खुद को पॉजिटिव लोगों के बीच सराउंडेड रखो। अगर आप अंदर से पॉजिटिव अफर्मेशन और वाइब से भरे रहोगे तो बेशक आपको आपके काम में और करियर में एकदम से चमत्कार सा दिखने लगेगा। हैक नंबर 3, डेवलप ए मंत्र, एक मंत्र डेवलप करना है। आप सब स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस और चमत्कार को बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते भी हैं। इनफैक्ट मेंटल पेशेंट्स को कई बार स्पिरिचुअल तरीकों से ठीक किया गया है, और यही रीजन है कि सदियों से हर धर्म में इसकी प्रैक्टिस चली आ रही है। गुरुकुल के समय से ही इसकी शिक्षा दी जाती है। आजकल स्कूल्स और कॉलेज में इसके इम्पोर्टेंस को कम कर दिया गया है, इतना नहीं बताया जाता, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि कुछ मंत्रों की ताकत सच में कितनी ज्यादा होती है। मेंटल लेवल पर कुछ मंत्र सच में बहुत प्रभावशाली होते हैं, इसलिए एक मंत्र का जाप करना है वो कोई भी हो सकता है। जब भी आप फोकस करने बैठें या किसी भी सिचुएशन में जीतने की कोशिश करें, उस वक्त वो मंत्र आपके साथ होना चाहिए, जिससे आप बार बार जोर जोर से दोहराकर अपने आप को होश में ला सकें, अपने आप को एक्सेलरेट कर सकें। मंत्र आप कुछ भी सुन सकते हैं, बट एकदम सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं हर सिचुएशन में जीत सकता हूँ,
इन शब्दों को लगातार दोहराना है उस वक्त जब आपको इसकी जरूरत हो, और इसे आप रेगुलर बेसिस पर भी रिपीट करके अपने आप को मेंटली स्टेबल और शार्प कर सकते हैं। नेगेटिव माइंडसेट को भी अवॉइड कर सकते हैं और अपने दिल की बेचैनी मिटा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने माइंडसेट को एकदम सॉलिड और मजबूत करने का। हैक नंबर 4, अवॉइड द कंपैरिजन ट्रैप। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज के समय कंपैरिजन की हवा चली है। हर कोई एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को देखकर अट्रैक्ट होता है और कई बार खुद की जिंदगी को उससे कंपेयर करके डिमोटिवेट हो जाता है। स्टडीज बताती हैं कि लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन के वजह से हमारा माइंडसेट इतना वीक हो जाता है कि हम खुद को कभी जीतते हुए देख ही नहीं सकते। कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन दे सकता है और यही आजकल होता भी है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, मछली पानी में बेशक राज करेगी लेकिन वो पेड़ पर बंदर की तरह नहीं उछल सकती। बंदर पेड़ों का विजेता है, वो किसी भी पेड़ के मायनों को एक पल में भांप सकता है लेकिन पानी में वो मछली के मुकाबले 1% भी नहीं टिक सकता। ठीक इसी तरह हर किसी की अपनी क्षमताएं हैं और हर कोई अपनी जगह मजबूत है। खुद को दूसरों से कंपेयर करके आप जानबूझकर अपने कॉन्फिडेंस को दबनाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप कभी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे और ये डायरेक्ट सिग्नल जाता है हमारे माइंड को कि हम वीक मेंटेलिटी के हैं, जिससे जलन और लालच जैसी फीलिंग्स जन्म लेंगी जो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं करने देंगी। हैक नंबर 5, प्रैक्टिस सफरिंग, झेलना सीखो। एक चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज अगर लगातार होती रहे तो वो आदत बन जाती है। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम लगातार करते रहे तो हमारे दिमाग को या हमें खुद को उसकी आदत हो जाती है। इसी तरह से जो लोग अक्सर यूं ही बेड पर पड़े रहते हैं, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पढ़ाई को बोझ की तरह लेते हैं, अपनी ड्यूटी से भागते हैं और हमेशा आराम और बस आराम करने की ही सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को उस चीज की आदत लग जाती है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है और हमें बिल्कुल उसी पर फोकस करना है। एट द सेम टाइम इस बात को समझो कि अगर यहीं पर हम लगातार हार्ड वर्क करें, फोकस करने की प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, अच्छा सोचने और बोलने की कोशिश करें, तो ऐसे में हमारी यही कोशिश आदत बन सकती है। आप खुद सोचो ऐसा क्यों होता है। अक्सर जब आप जिम करने पहले दिन जाते हो तब बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप यही सेम चीज रेगुलर बेसिस पर करते हो तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अब अगर आप खाली बैठोगे तब आपको उल्टा तकलीफ होने लगेगी। इसलिए जब आप बार बार कष्ट झेलने की आदत को प्रैक्टिस करने लगते हो तो तुम्हारा माइंड सेट भी उसे एक्सेप्ट करता है, जिससे होता यह है कि आपका किसी भी काम में पूरा मन लगता है और मेहनत करना आसान हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसके अलावा जिन्हें और भी आगे जाना है, जिंदगी में ग्रो करना है, तो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।